महाराष्ट्र में सूखे की वजह से बर्बाद एक किसान को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के किसान नारायण पवार सांगली जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले महीने सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए। अब अपनी माँ के साथ वो मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांग रहे हैं। नारायण ने अनार के बाग लगाए थे, लेकिन सूखे के चलते उनके सारे पेड़ सूख गए। सांगली में नारायण के पास 3 एकड़ की जमीन है। उन्होंने 4 साल पहले अलग अलग बैंकों से कर्ज लेकर अनार की खेती शुरू की थी। शुरू के 2 साल में नारायण को कोई आमदनी नहीं हुई, क्योंकि अनार के पेड़ बड़े हो रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि 1-2 साल में पेड़ों पर फल आने लगेंगे, लेकिन पिछले साल उनका जिला सांगली सूखे की चपेट में आ गया। अनार के पेड़ सूखने लगे तो नारायण ने हर हफ्ते 15,000 रुपये का पानी का टैंकर मंगाना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अनार के पेड़ नहीं बचा पाए। अनार के अलावा नारायण ने अंगूर की भी खेती की थी, लेकिन वो भी सूखे में तबाह हो गई। अब नारायण पर बैंकों का 40 लाख का कर्ज चुकाना एक चुनौती हो गई है, लिहाजा वो अपना खेत और गांव छोड़कर मुंबई आ गए हैं। उन्होंने लोकल ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया है। नारायण के मुताबिक 1 महीने के दौरान उन्होंने 70,000 रुपये जमा कर लिया है और लोन चुकाने के लिए अब वो भीख मांगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।